नमस्कार दोस्तों, इस प्रोग्राम में हम आपको बताने जा रहे हैं ग्रेनेटम पुनिका दवा के बारे में। इस देश में दाड़िम या अनार के पेड़ की सोर से मूल अर्क तैयार होता है। पेट की फीता कृमि निकाल बाहर करने के लिए अनार के पेड़ की छाल बहुत दिनों से आयुर्वेद चिकित्सा में प्रवृत्त होती आ रही है। हमारा कहना है कि होम्योपैथी के मत से सूक्ष्म मात्रा में इसका प्रयोग करने से केवल फीता कृमि ही नहीं बल्कि सभी तरह की कृमियां दूर की जा सकती हैं। लक्षण: मुंह में पानी भर आना, जीभ मिचलाना, गढ़े में धंसी आंखें, आंख की पुतली बड़ी हो जाना, लगातार सिर में चक्कर आना, क्षीण दृष्टि, जबरदस्त भूख, बदहजमी और बहुत ज्यादा परिमाण में खाने पीने पर भी दिनों दिन शरीर सूखता जाना, पेट में दर्द, नाभि की जगह दर्द और सूजन, मलद्वार कुटकुटाना, नाक खुजलाना, उंगली और नख का खोटना, चेहरा सफेद या पीला हो जाना, अकड़न, टंकार इत्यादि सभी लक्षणों में इसकी परीक्षा की जानी चाहिए। ग्रेनेटम सीना क्वासिया ट्यूक्रियम आदि की सदस्य दवा है और बच्चों के लिए ज्यादा फायदेमंद है। अनार की जड़ की छाल को पानी में सिझाकर एक चाय की चम्मच की मात्रा में सवेरे खाली पेट कई दिनों तक सेवन कराने से कृमि रोग में फायदा होता है। इसका रोगी अभिमानी, कृपण, कलह प्रिय और अपनी बीमारी के संबंध में हमेशा सतर्क रहता है। तो ये लक्षण रहेगा तो निश्चित रूप से ये दवा काम करेगी पेट के कीड़ों के लिए। इसका मदर टिंचर 2x और तीसरी शक्ति प्रयोग करनी चाहिए। पहले मदर टिंचर ट्राई करना चाहिए और 2x मिल नहीं पाती है और तीसरी शक्ति जो उपलब्ध हो वही यूज करनी चाहिए। तो हमने कहा कि कीड़े की इस दवा के बारे में आज बात कर लिया जाए। शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।